गाइस, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके वेबो ब्लॉग्स में, और मैं हूँ बागेश्वर देवभूमि उत्तराखंड से। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ बहुत ही सुंदर जगह पे, और उस जगह का नाम है मनकोट, और वहाँ की कुछ स्पेशलिटी है वो मैं आपको वहीं जाके बताऊँगी। तो सीधे चलते हैं। मनकोट बागेश्वर से 10-11 किलोमीटर आगे है, तो हम इस वाली रोड से जाएंगे। ये रोड है कांडा रोड, और यहीं से होते हुए अब हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। जब तक हम मनकोट नहीं पहुंचते हैं तब तक आप प्लीज़ ना ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, फिर बाद में आप भूल जाते हैं ना, और आपके लाइक करने से ना हमारे ब्लॉग पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं मनकोट, और एक बार यहाँ से ना व्यू देख लेते हैं, बहुत अच्छा आ रहा है। और ये रहा ग्लेशियर, लग रहा है ना अच्छा। वहाँ अभी धूप है, लेकिन ये जो कांडा वाली रोड है ना, यहाँ धूप कमी आती, देखिए पूरी ठंडी सड़क हो रही है। तो अब हम जा रहे हैं आगे, एक रेस्टोरेंट है उधर। अब हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर, और मनकोट में ना एक चीज़ बहुत फेमस है, और वो है भटके डुबकी। तो उसे खाने के लिए ना बागेश्वर से और दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ बहुत अच्छे भटके डुबके बनते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि भटके डुबके कैसे होते हैं। तो आपको ले चलती हूँ रेस्टोरेंट के अंदर, और यहाँ दिखाते हैं आपको भटके डुबके। देखिए, ये है कढ़ाई, और ये देखिए चूल्हा, और ये देखिए ये है डुबके। ये भटोके बनते हैं, काल टिटोके। दीदी, कैसे बनाया आपने ये भटके डुबके बताओ तो? पीस के बनाते हैं भटोको, आपको भिगा देते होंगे ना पहले? रात को भिगाते हैं, सुबह फिर पीसते हैं इसको। हाँ अच्छा, फिर इसको आग में पकाना होता है। आग में पकाने के बाद फिर इसमें काफी देर तक पकाता है इसको, 3-4 घंटा पकता है। अच्छा, 3-4 घंटा लगता है। उसके बाद इसमें छौंका लगाते हैं, छौंका लगाते हैं रोटियों की, और ये इसकी झोली है, ये झोली भी है, और हरी सब्जी, राजमा की दाल, नाश्ते में पराठे, पकौड़ी, छोली सब मिलते हैं। बढ़िया। तो कुछ इस तरह बनते हैं भटके डुबके। बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम भी लगता है, लेकिन ये ना चूल्हे पे ज़्यादा टेस्टी होता है। वैसे तो हम गैस भी बनाते हैं, लेकिन ना चूल्हे की बात ही कुछ अलग होती है। यहाँ ना हमने ऑर्डर कर रखा है अपने लिए पकौड़े, और चाय भी कर रखा है, क्योंकि ठंडा बहुत हो गया है सफ़र में। तो जैसे हमारी चाय आती है हम पकौड़े इन्जॉय करेंगे। तो ये देखिए भांग की चटनी भी है। तो पकौड़े ना बहुत टेस्टी हो रहे हैं, और चाय भी आ गई है। तो पकौड़े खाते और चाय पी के ना आपको मैं एक बार बाहर से बहुत अच्छा व्यू दिखाती हूँ। तो अब यहाँ से बाहर चल लेते हैं, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये तो खेत है सीढ़ीदार, और नीचे ना ये गवर्नमेंट स्कूल था। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ना व्यू, पहाड़ दूर दूर तक और सन्नाटा। यहाँ से ना थोड़ा और आगे आपको ले चलते हैं, और अच्छे अच्छे व्यूज देख लेते हैं मनकोट की। बच्चों, यहाँ देखो कौन से स्कूल के हो बताओ? हैं? अच्छा अच्छा, और स्कूल का नाम तो बताओ, कहाँ है तुम्हारा स्कूल? नीचे। नीचे? अब हम थोड़ा सा और आगे आ गए हैं, और ना यहाँ पे एक मंदिर भी दिख रहा है मुझे छोटा सा, और यहाँ से है वो रास्ता जाने का, ये पगडंडी। तो एक बार जाके ना दर्शन कर लेते हैं। और उधर देखिए, जहाँ मैं जूम कर रही हूँ यहाँ पे गांव है। तो इसमें ना थोड़ा केयरफुल होके जाना पड़ेगा, थोड़ा स्लिपरी भी हो रहा है, और यहीं पे मुझे घर भी दिख रहा है। तो देखिए कितने सन्नाटे में है घर, तो यहाँ ना बाघ का भी खतरा बना रहता है, इसलिए शाम को जल्दी खा के ना अंदर चले जाते हैं। पहाड़ों में ना कितना सुकून है और शांति है, और उस साइड धूप है ही, लेकिन ये कांडा लाइन वाली रोड है ना, यहाँ हमेशा ऐसे ही रहता है। तो अब हम ना यहीं से बैग खोल लेते हैं, और भी बहुत कुछ है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ देखिए धुआं लग रखा है।
अब हमने स्कूटी वहाँ खड़ी कर दी है और यहाँ से ना मैं आपको ले जा रही हूँ ऊपर को, और यहाँ की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, तो चलते हैं सीधे। तो देखिए लग रहा है ना बहुत अच्छा, और यहाँ धूप भी आ रही है, और यहाँ से नीचे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ भी इतने लंबे लंबे चीड़ के पेड़ हैं, और ऐसे ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे ना जो हमारी पहाड़े गाने नहीं होते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली, तो ऐसे ही अच्छी जगह पे पिक्चराइज किए जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लोकेशन कैसी लग रही है, और हाँ जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं आपको थोड़ा और ऊपर ले चलती हूँ। तो यहाँ से ना थोड़ा सा और ऊपर अब हम चल देते हैं, और मेरा भतीजा देखिए वहाँ पहुँच गया, उसे ये सरी सर दिख रहा है वो, और ऊपर देखिए कितना अच्छा लग रहा है खुला आसमान। तो फाइनली थोड़ा धूप देखने को मिली है, थोड़ी देर धूप में रहते हैं फिर हम आगे को बढ़ेंगे। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है, और वहाँ ऊपर ना देखिए लूटे ही लूटे बहते हैं, इसके पीछे ना शायद गांव भी होंगे ना, तो वहाँ पे लूटे बाद रखे लग रहा है ना मस्त। तो गाइज अब यहाँ से चलते हैं, और मैंने ना यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स बना रखी है, तो इंस्टाग्राम पे आप ना बेबो करम्याल उत्तराखंडी करके है, तो आप प्लीज देख लीजिएगा वहाँ पे जाके। तो गाइस थोड़ा ना संभल के जाना पड़ेगा, थोड़ा स्लिपरी होता है ना। अब चलते हैं। तो कुछ ही देर में ना अब हम बागेश्वर पहुंच जाएंगे, और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग ना मैंने 2 बजे से की थी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है नीचे पे डाउन डाउन, और अब 4:30 बज गए हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ घर, और ठंडा बहुत लग रहा है क्योंकि अब ठंडियों में ना ये स्कूटी बाइक में बैठने में ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। और आज नविया को देख रही थी दादी, और मुझे बहुत लेट हो गया क्योंकि ब्लॉगिंग के स्टार्टिंग मैंने 2 बजे से कर दी थी, और 5:00 हो गया है। अब हो गई है रात, और समय आ गया है कि मैं आपसे बाय बोलूं। तो आप ज़रूर बताएगा कि आपको आज का हमारा मनकों वाला ब्लॉग कैसा लगा, और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बना सके। तो प्लीज़ आप भी अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, अपने आसपास साफ़ सफाई रखिए। बाय बाय।